हेलो फ्रेंड्स, टेम्पररी और परमानेंट स्टोमा में क्या डिफरेंस है, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेम्पररी और परमानेंट स्टोमा के बीच में क्या अंतर है। हमने हमारे पिछले कई सारे वीडियोस में स्टोमा के प्रति काफी सारे इश्यूज को और डाउट्स को एड्रेस किया है, जहाँ पे हमने डिटेल में ये डिस्कस किया कि स्टोमा क्या होता है, किस प्रकार के स्टोमा होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। अगर आपको और इन टॉपिक्स के ऊपर जानना है, डेप्थ में नॉलेज पाना है, तो आप दिए गए प्लेलिस्ट पे क्लिक करके ये वीडियोस को देख सकते हो। तो जब हम स्टोमा के बारे में बात करते हैं, तो एक पेशेंट के नज़रिए से देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है, या जो सवाल रहता है वो ये है कि ये जो स्टोमा बन रहा है ये टेम्पररी है या परमानेंट है। सो जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, जो टेम्पररी स्टोमा है वो टेम्पररी ही रहता है। तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद या थोड़े महीनों के बाद पेशेंट को स्टोमा नहीं रहेगा। जब परमानेंट स्टोमा की बात करते हैं, तो ये इसीलिए परमानेंट है क्योंकि हम इसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। जब हम टेम्पररी स्टोमा बनाते हैं, ये हो सकता है कि ये बड़ी अतड़ी का स्टोमा हो, जिसको हम कोलोस्टोमी बोलते हैं, या छोटी अतड़ी का स्टोमा, जिसको हम आइलोस्टोमी बोल सकते हैं। ये हम टेम्पररी तौर पर क्यों बनाते हैं, क्यों ये यूजली इसलिए बनाते हैं कि आगे जो आने वाला अतड़ी का हिस्सा है या इंटेस्टाइन है, वहाँ पे हमें रेस्ट चाहिए, या हमें वहाँ पे मल का प्रवाह या मल का मतलब पैसेज नहीं चाहिए। ये कब कब ऐसा होता है, तो एक बहुत ही सरल एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे हम रेक्टल कैंसर सर्जरीज करते हैं, जहाँ पे ट्यूमर मिडल रेक्टम या लोअर रेक्टम में रहता है, तो हमें उस जगह पे जहाँ पे हम रेक्टम को निकाल के जोड़ रहे हैं, उस एरिया को हीलिंग के लिए टाइम लगता है। तो इस दौरान हमें ये पर्पज़ रहता है कि वहाँ तक स्टूल्स ना पहुँचे। तो इसलिए जब हम इस सिचुएशन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टोमा, जो आइलोस्टोमी बनाते हैं, ये टेम्पररी होता है, क्योंकि ये आइलोस्टोमी से जो भी पचा हुआ खाने से जो स्टूल्स बनता है वो बाहर निकल जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता नहीं है। तो इससे क्या है, जहाँ पर हमने रेक्टम को काट के जोड़ा है उस जगह तक मल नहीं पहुँचता है, तो वो जगह को ज़्यादा रेस्ट मिलता है और उसका हीलिंग बेटर रहता है। अगर कोई हीलिंग में छोटा मोटा प्रॉब्लम भी आता है, जैसे एनास्टोमोटिक लीकेज एक बड़ा इशू रहता है, इसमें जो कॉम्प्लिकेशन का सीवियरिटी है, मैग्नीट्यूड है, उसकी जो मात्रा है ना, वो काफ़ी मैनेजेबल रहता है। तो इस चीज़ के लिए हम इस यहाँ पे आइलोस्टोमी बनाते हैं। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हमने अच्छा सर्जरी कर दिया, बट जो इंटेस्टाइन को जिसे हमें जोड़ना है वो इतने सेहतमंद नहीं लग रहे, उतना हेल्दी नहीं लग रहे, जहाँ पे इनका ब्लड सप्लाई थोड़ा डाउटफुल है, या हम इमरजेंसी सेटिंग में सर्जरी कर रहे हैं, या पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ इतना सुटेबल नहीं है, जैसे कि 70 के ऊपर उम्र है और हार्ट डिजीज़ है, या बाकी कोई इन्फेक्शन है, या अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, जहाँ से हीलिंग का जो कैपेसिटी है कम है, ये सब चीज़ों में भी हम हो सकता है कि टेम्पररी स्टोमा बनाए, जो फ्यूचर में हम प्लान करें कि इसको हम रिवर्स कर दे, ये भी एक सिचुएशन होता है। और तीसरा है, जहाँ पे कोई चीज़ की वजह से ब्लॉकेज हुआ है, जब हम कैंसर की बात करते हैं, जब कैंसर अतड़ी के अंदर के कैविटी को कम्प्लीटली कवर कर लेता है, तो क्या है, अतड़ी के जो काम है, जो खाने को आगे पहुँचाने वाला काम है, उसको ब्लॉक कर सकता है, जिससे पेशेंट को एक इमरजेंसी सिचुएशन आ सकता है। ये कई सारे इन सब सिचुएशंस में जो स्टोमास बनते हैं ना, ये टेम्प्रेरी रहता है। और जैसे ही हम वो मसले का हल निकाल पाते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का कंडीशन अच्छा इम्प्रूव हो गया हो, वो जो एक्यूट क्राइसिस, जो इमरजेंसी सिचुएशन था, उससे बाहर आ गया हो, या हमने जो ऑब्स्ट्रक्टेड जो जिस कैंसर या जिस कारण से ब्लॉकेज हो रहा था उसको हमने निकाल दिया हो, ये सब चीज़ों के बाद हम ये टेम्प्रेरी जो स्टोमा है इसको रिवर्स कर सकते हैं। जब परमानेंट स्टोमा की हम जब बात करते हैं, तो एसेंशियली ये परमानेंट क्यों होता है, ये परमानेंट इसलिए होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कि जहाँ पे टॉयलेट के रास्ते का कंट्रोल है, जो एनल ओपनिंग, जो एनल कैनाल के आखिरी हिस्से में रहता है,
वो प्रिजर्व नहीं है या वो बचा नहीं पाए हम। यूजुअली ये एक ही सिचुएशन है जहाँ पे परमानेंट स्ट्रोमा हम बनाते हैं। और ये सिचुएशन यूजुअली कब पैदा होता है, ये यूजुअली जहाँ पे रेक्टम का जो कैंसर है वो आपके एनल ओपनिंग के 5 सेंटीमीटर के अंदर है, और जहाँ पे हम ये जो आपके बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले मांसपेशियां, जिसको हम स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो आपके बड़ी हथेली के आखिरी हिस्से में रहते हैं, इसको हम नहीं बचा पाते सर्जरी के दौरान, ये सिचुएशन में हमको परमानेंट स्ट्रोमा करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे परमानेंट स्ट्रोमा बनता है। बाकी सब सिचुएशंस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये टेम्पररी स्ट्रोमा रहता है और जिसको हम रिवर्स कर पाते हैं। थोड़े बहुत ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे भले ही स्फिंक्टर मैकेनिज्म इंटैक्ट हो, फिर भी हम थोड़े बहुत स्ट्रोमास को जो दो भले ही टेम्पररी हो टेक्निकली, हम परमानेंट मानते हैं। ये हो सकता है कि पेशेंट की पुअर जनरल कंडीशन के वजह से हो, या बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन के वजह से हो, या एनेस्थेशिया रिलेटेड रिस्क के वजह से हो, या जो स्ट्रोमा रिवर्स करने वाला प्रोसीजर है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। इन सब चीज़ों में थोड़े पेशेंट्स में हमें ये मानना पड़ता है कि ये जो टेम्प्रेरी पर्पस के लिए बनाया गया था इसको हम परमानेंट मान के चलना ही बेटर रहेगा, ये पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ के नज़रिए से। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डिस्कशन, परमानेंट स्ट्रोमा क्या होता है और टेम्प्रेरी स्ट्रोमा क्या होता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।